हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर तस्कीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड रिपोर्ट के बारे में जो हमें दिखती है गूगल सर्च कंसोल में। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर इन्हांसमेंट के सेक्शन में आपको स्पीड का ऑप्शन दिख रहा है, स्पीड की रिपोर्ट दिख रही है और इसके सामने आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सपेरिमेंटल लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अभी ये टेस्टिंग फेज में, ठीक है, और जब तक ये टेस्टिंग फेज में रहेगा आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती आपको दिखाई देंगी, ठीक है। हो सकता है इस रिपोर्ट में भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिले। चलिए सीधे एक्सप्लोर करते हैं क्या है रिपोर्ट और क्या क्या चीज़ें हमें ये बताती है। तो मेरे पास यहाँ पर डोमेन जो सेट है वो wsqubetech.com सेट है, ठीक है, और स्पीड में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली ये जो रिपोर्ट है ये आपको दो चीज़ों पर मिलती है, एक तो मोबाइल और एक डेस्कटॉप, यानी दोनों डिवाइसेस पर ये चेक करता है, दोनों वर्जन पर चेक करता है कि आपके जो वेब पेजेस हैं यानी कि आपके इस डोमेन के अंदर जो URLs हैं उनकी स्पीड मोबाइल के ऊपर किस तरीके से है और उनकी स्पीड डेस्कटॉप के ऊपर किस तरीके से है। तो तीन तरीके से इसने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको तीन कैटेगरी में इसने रखा हुआ है, वो है हमारा स्लो URLs, ठीक है, मॉडरेट URLs और फास्ट URLs। उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पे देखोगे आप तो स्लो URLs, मॉडरेट URLs एंड फास्ट URLs, तो तीन तरीके की कैटेगरी है, ठीक है। ये एनालाइज करेगा और उसके बाद तीन तरीके कैटेगरी में आपके URLs को रखेगा बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स कि किस टाइप की स्पीड वो आपके URLs दे रहे हैं। दूसरी बात, ये एनालाइज कहाँ से करता है कि क्रोम का जो यूजर एक्सपीरियंस की रिपोर्ट है वहाँ से ये डेटा आती है। तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप वाली रिपोर्ट के ऊपर, रिपोर्ट को ओपन करते हैं तब और भी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिख रहा है कि हमारे जो 62 URLs हैं वो स्लो हैं, ठीक है, एक इशू है, ठीक है। अब इशू पे आते हैं हम लोग नीचे, तो इशू आप देख रहे हैं FCP इशू है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि हमारी URLs को एक रेटिंग मिल रही है, ठीक है, कि उसकी स्पीड स्लो है, उसकी स्पीड मॉडरेट है या उसकी स्पीड फास्ट है, तो आखिर ये चेक कैसे करता है, ऐसे कौन से डायनामिक्स हैं, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ये चेक करता है गूगल का सर्च कंसोल, जिनको चेक करेगा और उसके बाद वो रिपोर्ट हमें देता है, ठीक है, कि भाई ये फास्ट है या स्लो है या मॉडरेट है। तो ये दो मेन फैक्टर्स को चेक करता है, एक तो हो गया हमारा FCP इशू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, ठीक है, ये हो गया एक ये इशू है। तो FCP का मतलब होता है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। और इसी तरीके से एक और आपको दूसरा इशू भी काफी देखने को मिलेगा जिसका फुल फॉर्म होता है FID इशू, और FID का मतलब होता है फर्स्ट इनपुट डिले, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस हैं FCP और FID, इन्हीं के बेसिस पर ये चेक करता है, ठीक है, कि आपके जो URLs हैं उनकी स्पीड कैसी है। अब FCP होता क्या है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब होता है कि कितना टाइम लगता है आपका जो URL है उसके फर्स्ट एलिमेंट को रेंडर होने में वेब पेज पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। और दूसरा जो है फर्स्ट इनपुट डिले, उसका मतलब होता है कि भाई कितना टाइम जब यूज़र आपके URL के ऊपर आएगा, वहाँ पर इंटरेक्ट करेगा, कोई क्लिक करेगा, तो कितना टाइम लगता है ब्राउज़र को वहाँ पर रिस्पॉन्स करने में, ठीक है। किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया, यूज़र ने कोई इंटरेक्शन किया तो ब्राउज़र कुछ रिस्पॉन्स देगा, उस रिस्पॉन्स में कितना टाइम लगेगा वो FID से होता है। अब बात करते हैं कि कितने होने चाहिए, इनके नंबर्स कितने होने चाहिए, यानी कि अगर हम FCP देखें तो FCP कितना होना चाहिए, FID देखें तो FID कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चार्ट आप देख रहे हैं, FCP अगर लेस देन 1 सेकेंड है तो आप मानेंगे फास्ट है, लेस देन 3 सेकेंड है तो मॉडरेट है, और अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 सेकेंड्स है तो इसको हम स्लो मानेंगे। FID इसी तरीके से 100 मिली सेकेंड से अगर कम है तभी हम इसको फास्ट मानेंगे, और ये दोनों बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये नंबर्स हैं, इनके बेसिस पर चेक होता है, ठीक है, इनके बेसिस पर चेक होता है आपके URLs किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी स्कोर आता है यहाँ पर, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी स्कोर आता है उसके हिसाब से इनको एक लेवल मिल जाता है कि ये फास्ट हैं या स्लो हैं या मॉडरेट है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्लो हैं और इशू क्या है, ये वाला इशू है, ठीक है। और जाएंगे आप डिटेल में, अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो आपको अफेक्टेड URLs सारे दिखाई देंगे, कौन से अफेक्टेड URLs हैं, ठीक है, और इन URLs के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये बहुत सारे URLs हैं, ठीक है, इनको देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम को और डिटेल में आप किस तरीके से देख सकते हैं, आपको इसके लिए जाना पड़ेगा पेज इनसाइट्स वाले टूल के ऊपर, ठीक है। जब पेज इनसाइट्स वाले टूल के ऊपर जाएंगे तब आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आखिर ये स्लो क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सजेशंस हैं, किस तरीके से हम इनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के बाद आपको आ जाना है वैलिडेट फिक्स के ऊपर, ठीक है, वैलिडेट फिक्स के ऊपर करेंगे, अगर ये रिजॉल्व हो चुके होंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें इश्यूज जो है वो दूर हो जाएंगे। तो ये एक इन्हांसमेंट सेक्शन के अंदर स्पीड रिपोर्ट से रिलेटेड टूल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये टूल, बहुत ज़्यादा इनसाइट्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, मैनुअली
गूगल पेज इनसाइट टूल पे जाते थे, वहाँ पर अपने यूआरएल्स को चेक करते थे, डोमेन को चेक करते थे, बट यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें इस सर्च कंसोल के प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएंगी। थोड़ी सी आसानी रहेगी ये समझ में आने के लिए कि कौन सा यूआरएल मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो दैट्स इट इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये स्पीड एक्सपेरिमेंटल इन्हांसमेंट की रिपोर्ट क्या है और किस तरीके से काम करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अ वेरी गुड बाय।